मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। मेंढरा ग्राम पंचायत में 1 किलोमीटर लंबी सड़क शाम तक मौजूद थी। सुबह जब ग्रामीण नींद से जागे तो सड़क गायब थी। उप सरपंच ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास एक आवेदन दिया है, जिसमें कहा गया है कि वार्ड क्रमांक 15 में एक सड़क शाम तक बनी थी, सुबह चोरी हो गई। शिकायत से मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी आश्चर्यचकित हैं। उन्होंने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है। मामला सीधी जिला के मझौली विकास खंड के मेंढरा ग्राम पंचायत भ्रष्टाचार का है। ग्राम पंचायत में 1 किलोमीटर लंबी सड़क 10 लाख रुपए की लागत से पंचायत निधि से बनाई गई थी, लेकिन अब वहां सड़क मौजूद नहीं है। ग्रामीणों को जब इसकी जानकारी लगी तो उप सरपंच रमेश कुमार यादव के साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी मझौली और थाना प्रभारी मझौली को उन्होंने आवेदन दिया है। इसमें बताया गया है कि ग्राम पंचायत में शाम तक सड़क बनी थी, लेकिन सुबह चोरी हो गई। सीईओ और थाना प्रभारी को आवेदन पत्र मिलने के बाद सभी हैरान हैं। मामला सुर्खियों में आने के बाद मझौली जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एमएल प्रजापति का कहना है कि उनकी 7 जून को यहां पदस्थापना हुई है, उन्हें इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ग्रामीणों के आवेदन पर मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है, लेकिन उप सरपंच के तंज भरे आवेदन पत्र की पूरे जिले में जोर शोर से चर्चा हो रही है। हमारे वार्ड क्रमांक 15 में इतना ज्यादा रोड बनी थी यहाँ पर, और के पूरा पूरा फर्स्ट क्लास के बनी थी, लेकिन हमने रात में उठ के देखा तो एक भी मुरुम नहीं है। पता नहीं कौन चोरी करके ले गया। गांव की जनता हमें बताया कि यहाँ चलो देखते हैं, पता नहीं कौन मुरुम ले गया। तब हम यहाँ ये मुख्य कार्यपालन अधिकारी मझौली के पास जाने वाले हैं, डीएम साहब के पास जाने वाले हैं अपनी समस्याओं को लेकर, कौन चोरी करके ले गया उसको हम जाँच करवाएंगे। हाँ, सुबह में नहीं ये बनी थी, कल शाम को कल बनी थी, कल तक सुबह में कोई चोरी करके ले गया। बिंदु ने लिखा है कि मेरे घर के सामने रोड बनी थी, जो जिससे मेरा निस्तार भी होता था, दूसरे दिन चोरी हो गई, ऐसा शब्द उन्होंने लिखा है। अभी मुझको आए ज्वाइन किए थे, मैं 7 तारीख को ज्वाइन किया हूँ। आज के पहले ऐसा कोई मेरे संज्ञान में नहीं था। आज लोगों के द्वारा आके आवेदन दिया गया है, उस आवेदन की जांच कराई जाएगी। जांच के बाद जो कुछ पाया जाएगा वो कार्यवाही की जाएगी। सिंगरौली से विनय यादव की रिपोर्ट।